चाल है तेरी मैडम। दोस्तों, इंडस्ट्री में बच्चन परिवार की बहू और बेटियां कम ही सुर्खियों का हिस्सा बनती हुई देखी गई हैं, लेकिन कई बार बच्चन परिवार की बहू यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के रिश्ते पर कई तरह के सवालिया निशान लगते हुए देखे गए हैं। कई बार दोनों की ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं जिन पर ट्रोलर्स भी उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं। वह आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन आज भी इंडस्ट्री में काफी मशहूर हैं। एक्ट्रेस की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग के सभी दीवाने हैं। वह बॉलीवुड फिल्मों में एक गाना है जुरारे, जिसे सुनते ही ऐश्वर्या राय का नाम उनके किए हुए जबरदस्त स्टेप्स खुद ब खुद याद आते हैं। इस गाने में एक्ट्रेस अपने ससुर और अपने पति के साथ जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आई थी। बता दें कि एक्ट्रेस का लुक इस वीडियो में जबरदस्त दिखाई दिया था। वहीं इस गाने से जुड़ा अब एक किस्सा काफी मशहूर हो रहा है। दरअसल ये किस्सा उस दौरान का है जब इन तीनों ने मिलकर आईफा अवार्ड्स में डांस परफॉर्मेंस दी थी। ये उस दौरान की बात है जब अभिषेक और ऐश्वर्या कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे और फिल्म गुरु के दौरान एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दरअसल अभिषेक ने उन्हें प्रपोज कर दिया था और ऐश्वर्या ने हाँ कह दी थी। शादी के 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एमस्टरडम में अमिताभ के साथ ऐश्वर्या और अभिषेक ने कजरारे कजरारे पर डांस किया था। जब ये तीनों एक साथ स्टेज पर आए थे तो इन्हें देख हर कोई हैरान रह गया था। आपको बता दें कि जब ये डांस परफॉर्मेंस खत्म हुआ तब ऐश्वर्या राय का चेहरा भी देखने लायक था, क्योंकि एक तरफ से उन्हें अमिताभ तो दूसरी तरफ से उन्हें अभिषेक बच्चन ने पकड़ रखा था। वह अभिषेक और ऐश्वर्या ने साल 2007 में शादी की थी। ऐश्वर्या अभिषेक से उम्र में 3 साल बड़ी है, लेकिन इनकी उम्र इनके प्यार के बीच कभी नहीं आई। दोनों ने जमाने की परवाह ना करते हुए एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए और अब दोनों की 9 साल की बेटी आराध्या है। दोनों की शादी 20 अप्रैल साल 2007 को हुई थी। शादी बच्चन फैमिली के बंगले प्रतीक्षा में हुई और रिसेप्शन ताज होटल में। शादी के वक्त ऐश्वर्या राय 33 साल की थी जबकि अभिषेक की उम्र 31 साल की थी। दोनों स्टार्स का प्यार मणिरत्नम की फिल्म गुरु के दौरान परवान चढ़ा था, जो कि साल 2007 में शादी में तब्दील हो गया। बता दें कि अभिषेक ऐश्वर्या की शादी में बहुत कम लोग ही आए थे। इनमें खास रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हुए थे, जिसे माइक्रो वेडिंग भी कहा जाता है। एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया था कि टोरंटो में जनवरी साल 2007 में हुई फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद होटल की बालकनी में उन्होंने ऐश्वर्या को प्रपोज किया था। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ऐश को प्रपोज करते वक्त काफी ज्यादा नर्वस है, लेकिन हिम्मत करके उन्हें दिल की बात बता ही दी और ऐश ने हाँ करने में भी सेकंड का समय नहीं लिया। ऐश्वर्या और अभिषेक ने 7 साल में 2.5 अक्षर प्रेम के कुछ ना कहो, बंटी और बबली, उमराव जान, धूम 2 और गुरु को मिलाकर 6 फिल्मों में काम किया है। वहीं शादी के बाद दोनों की फिल्म सरकार राज और रावण राज रिलीज हुई। वर्कफ्रेंड की बात करें तो अभिषेक बच्चन जल्दी ही बॉब बिस्वास और 10वीं फिल्म में नजर आएंगे। वहीं ऐश्वर्या के पास किसी भी बॉलीवुड फिल्म का फिलहाल ऑफर नहीं है। तो दोस्तों, आपको ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन से जुड़े इस किस्से के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।